छात्रों को छात्र की नजर से नहीं बल्कि उनको जाति धर्म समुदाय वर्ग उनके आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उसके बाद सारी की सारी कहानी इस तरीके से लिख दी जाती है कि आगे वो किसी भी तरीके से बढ़ ना सके अपनी जिंदगी में। ऐसा ही किस्सा मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन डी स्कूल। जब मैंने अपना एडमिशन लिया था तो उस समय वहाँ पर इलेक्शन के लिए मैंने फाइट की थी, तो हमारे HOD, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि ये राजनीति आप जैसे दलित लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, आप दलित लोग राजनीति नहीं कर सकते। और ये मेरे को इस घटना ने प्रेरित किया कि यह मुद्दा मैं आगे तक ले गया, लेकिन किसी कारणवश मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आज हम रोहित बेमला जैसे हजारों रोहित बेमला जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डिमांड करते हैं कि अगर किसी तरह की ऐसी कोई घटना होती है किसी के साथ तो विश्वविद्यालय में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में केवल VC या उनके संयोजक नहीं बल्कि छात्रों को भी शामिल किया जाए जिससे उनको उचित न्याय मिले। यूथ फॉर सोशल जस्टिस यह डिमांड करता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के अन्य विश्वविद्यालयों में इसी तरह की कमेटी बनाई जाए ताकि रोहित मेमुल्ला जैसे हजारों जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है आगे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। उत्पीड़न है, दमन है या भेदभाव है वो स्वाभाविक रूप से मन में बरबस से वो विचार आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। आज हम जब मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं तो मंदिर की राजनीति होती है। साथियों, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र होते हैं, समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग वहां पर पाए जाते हैं, सर्च रिसर्च शोध उसका अभिन्न हिस्सा होता है और उम्मीद की जाती है कि सब कुछ सही होगा, ठीक होगा, सम्मान सबको मिलेगा, अधिकार सबको मिलेगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो फैक्ट ऑन ग्राउंड है, उसको देख के बेहद निराशा होती कि आज भी जाति देख के फैसले होते हैं, चेहरे देख के निर्णय होते हैं, जाति देख के सुविधा दी जाती है और जाति देख के सुविधा नहीं दी जाती है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतना द्वंद, इतना हंगामा, इतना जुल्म, इतना इंतहा क्यों है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। सिर्फ आर्थिक विकास और विकास की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति के नाम पर जो विकास के दावे किए जा रहे हैं उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो यूरोप के देश है या अमेरिका, अगर वो विकसित हुए हैं, वो आगे गए हैं, तो सदैव एक प्रगतिशील और एक समावेशी समाज का पहले उन्होंने निर्माण किया है। लेकिन जब हम अपने समाज के ऊपर नजर डालते हैं तो यह अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है। साथियों, बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, 2-3 बात जो मेरी समझ है वो आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि एक घटनाएं कम होनी चाहिए थी लेकिन घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और लगातार जिन हम लोग का जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है वो बेहद खतरनाक है और रोहित बेमुला की घटना इसका उदाहरण है कि संस्थागत भेदभाव, उत्पीड़न, दमन और अपमान शिक्षण संस्थानों का अभिन्न हिस्सा बन गया, जिसे हमें कड़े शब्दों में सिर्फ आलोचना और निंदा करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे आना होगा, हमें मुखर होना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है साथियों कि शिक्षण संस्थान सामाजिक न्याय से लेकर समतामूलक समाज, सौहार्दपूर्ण समाज से अभी कोसों दूर है। लेकिन जब हम सोचते हैं, अधिकांश आप में से रिसर्चर, अधिकांश हमारे टीचर साथी बैठे हैं, हम विश्वविद्यालय में जब नौकरी करते हैं, पढ़ाते हैं तो रिसर्च करके जाते हैं, जब हम तार्किक आधारों पर जब हम उनका विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्यों
ये घटनाओं में इतना इजाफा है, बढ़ोतरी है, शिक्षा संस्थान जहाँ पर सम्मान अधिकार प्रतिदिन सबको मिलना चाहिए, इतना हंगामा क्यों है? तो उसका एक सीधा कारण जो मुझे समझ में आता है, जैसा आप सब जानते भी हैं कि बीते कई दशकों में जो सामाजिक दायरे से ऐसे लोग, ऐसे छात्र, ऐसे शिक्षक अपने अधिकारों के लिए मुखर हुए हैं, सवाल करना शुरू किया है, जब सवाल शुरू करना हुआ है तो ऐसे हमले में तेजी आई है और बढ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन हमलों से घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे जो मानसिक उत्पीड़न से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं सभी छात्रों से एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि जब ऐसे परेशानी उत्पन्न हो तो सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक बात को रहने दीजिए, आपको मानसिक रूप से अधिक मजबूत होने की जरूरत है, आपको लड़ने की जरूरत है। और अम्बेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण है, कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं खोया, कभी उन्होंने घबराया नहीं। आज और हम जो जुल्म और जो जितने हमले झेल रहे हैं उससे कई गुना उन्होंने झेला होगा। तो साथियों, अधिक समय न लेते हुए एक दो बात मैं आपको और रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आखिर समाधान क्या है, रास्ता क्या है? तो समाधान है, अधिक मुखर होने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ये संस्थाएं सबका है, ये राष्ट्र सबका है, देश सबका है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसके संसाधनों पर उसका अधिकार बनता है। इसलिए संसाधनों में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी सम्मान के साथ मिलना चाहिए। और वो किसी का एहसान नहीं है, ये किसी की कृपा नहीं है, ये देश सबका है। अंत में साथियों, जब भी संविधानवाद और अम्बेडकरवाद का टकराव अतिवाद और ब्राह्मणवाद से होगा तो जीत हमेशा संविधानवाद की होगी, अम्बेडकरवाद की ही होगी। सवाल है लगे रहने का, जिससे कि हम सभी मिलकर एक बेहतर शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर पाए, समाज का निर्माण कर पाए, जिसमें कि सम्मान, गरिमा और प्रतिनिधित्व और समता मूलक समाज से सौहार्दपूर्ण समाज का हम एक सपना बरकरार रख सके। साथियों, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं उसका दर्द कहां है। और वो ये भी लिखता है अपने लेटर में कि मेरे मरने के बाद आंसू मत बहाना, ये समझना कि मैं मरने के बाद जिंदा होने से ज्यादा खुश हूं। आप इस समाज के दंश को देखिए और समझिए कि एक दलित के पैदा होने के साथ उसका दर्द भी पैदा होता है, और वो दर्द तभी खत्म होता है जब वो मर जाता है। किस तरह से इन सिस्टमों में हमें बजा के रख दिया गया है, इन बातों को अगर हम देखें तो हम पहुंचते हैं कि ये देश, ये समाज जिसकी एक एक ईंट हमने जोड़ी है, वो समाज हमें मरने के लिए मजबूर कर देता है। क्या गलती थी हमारी, क्या ऐसा कर दिया हमने? हम तो खेती करने वाले लोग थे, हम तो पशुपालन करने वाले लोग थे, हम तो तुम्हारे बच्चों के लिए दूध पैदा कर रहे थे, तुम्हारे लिए अनाज पैदा कर रहे थे। मेरा गुनाह बस यही है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले आए और तुम्हें यह गवारा नहीं है, इसलिए तुम हमें मरने पे मजबूर करते रहे हो। आप ये अंदाजा लगाओ कि उस समय का द्रोणाचार सिर्फ एकलव्य की अंगूठा काटता है कि वो फिर से तीर बाढ़ने यूज कर पाए, लेकिन आज का द्रोणाचार उससे भी स्मार्ट है। वो जानता है कि आज के दलित, आज के आदिवासी, उनका हाथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उनका दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा गला काटने पे लगे हुए हैं। और ये जो 13-point रोस्टर आया है यूनिवर्सिटी में, वो गला काटने, आज के द्रोणाचार का वो गला काटने की रणनीति है कि हमें नष्ट नाबूद कर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ऊंचा दीवारियों के बीच हम अपनी पहली पीढ़ी के लोग हैं। मैं जब इलाहाबाद पढ़ता था, अपने घर जाता था, तो अगर 10 बार मैं 3 में पहुंचा हूं तो मेरी माँ कहीं काम खेतों में, अपने खेतों में काम करते हुए मिलती थी कि माँ कहाँ है, तो ये होता था अरे पीछे खेत में। हम लोग वहां से पढ़ने वाले लोग आए हैं, हमारी पहली पीढ़ी है। आपकी मेरी इससे डिसाइड नहीं होती कि आपके पापा ने कहां उतारा, उससे आप कितने कदम चले, आपकी मेरिट इसी से डिसाइड होगी। हम खेतों में पैदा होने वाले लोग थे और आप इसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, और फिर आप कहते हो कि आप ज्यादा मेरिटीरियस हो। अरे भाई, गिन लो ना कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी तक कितने कदम तुम चले हो। हम कहां से आए, किस पृष्ठभूमि से आए, ऐसी पृष्ठभूमि से आए कि वहां कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं था, फिर आके हम अपने आप को यहाँ एग्जिस्ट करते, सस्टेन करते, फिर भी आप हमको नहीं पढ़ने दे रहे हो। फिर भी आप तरह तरह के आज का द्रोणाचार्य तरह तरह की रणनीति बना रहा है ताकि वो हमें मजबूर कर सके कि हम यहां से चले जाएं।
हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है। रोहित बिमला की भी स्कॉलरशिप 4-5 महीने की बंद की गई थी, उसको मजबूर किया गया कि हॉस्टल में न रहे, और वो ऐसा कदम उठाने से पहले ये बोलता है कि कल को लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। दर्दों का आगे और सिलसिला हो, लेकिन ये तो ना हो ना कि दर्द ही दवा हो। हमें यहाँ पे पैदा होने की कीमत ये चुकानी पड़ती है कि हमारा दर्द ही हमारी दवा। हमें जीने नहीं दिया जाता, हमें यूनिवर्सिटी में आ रहे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जो रिटर्न एग्जाम हुआ, उसमें एक दलित लड़का जो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आता है और जनरल की कैटेगरी में 8वां नंबर आता है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि शायद हम लोग पैर छूने में उन लोगों से कमजोर पड़ते हैं, या हम उस संस्कृत को नहीं मानने वाले हैं। आप इस बात को समझ लो कि आप अपने आत्मा के साथ, अपनी आत्मा का, अपने जमीर के साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जी सकते हो। अगर आपको एक भी कदम बढ़ना पड़ता है तो बार बार हमें मजबूर किया जाता है कि हम अपनी जमीर को मारे। बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि जो बाबा साहब ने कहा है उसको न मान के जो हम कह रहे हैं वो मानो। तो ये ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा एक व्यक्ति किस तरह अपनी जिंदगी मिटाता है, किस तरह वो अपने चीजों को खत्म करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम किस पे सवाल उठाएं? आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडहॉक का अपॉइंटमेंट होता है, अगर अनरिजर्व में कोई लड़का SC ST OBC का इंटरव्यू देने जाता है तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट इंटरव्यू देने चले आए। अरे बोलते हैं भाई, अरे तो ये तो जनरल का है, तुम कहां से आ गए? तो उनको समझाना पड़ता है, भैया ये जनरल का नहीं है, ये अनरिजर्व है, इसमें कोई भी आ सकता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग यहां पर बैठे हैं। आप सोचो कि आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? कौन लोग आए वो यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, क्या उनको हम अच्छी नजर से देखेंगे? क्या हम हमारी अंतरात्मा उनको एक्सेप्ट करेगी कि उनके रहते फैकल्टी में, अनरिजर्व में एक भी SC ST OBC मान्यता का लड़का नहीं, लड़की नहीं हो पाता है? ये कौन सा देश है? किसी देश का निर्माण करना चाहते थे हम? संविधान, हमारे बाबा साहब फूले, अगर संविधान न होता तो शायद ये लोग हमारे खून से अपने घर में पेंटिंग बना रहे होते। आज आपने देखा होगा तो ऊना में क्या हुआ। तो ये देश सबका है, और इस देश की एक एक ईंट, एक एक पुल, एक एक पहाड़, सब कुछ हमने बनाया है। और हमें मजबूर मत करो कि हम ये दिखा दे तुम्हें जो सत्ता पे बैठे लोग हैं कि तुम कुछ नहीं हो। आज के देश, आज के समय में एक वोट एक राइट है। हमारा एक वोट है, तुम्हारा भी एक वोट है, लेकिन तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। अब जब उसमें थोड़ा सा हिस्सा देने की बारी आती, तुम्हें इतनी छटपटाहट हो रही है, और तुम कैसे सोच सकते हो कि जब उस समय बाबा साहब बड़े बड़े महारथियों से लड़कर संविधान बना देते हैं तो उनकी आने वाली हम जैसी पीढ़ियां क्या लड़ने से पीछे हटेंगी? तो ये जान लो कि हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, और संविधान का एक एक लाइन इंप्लीमेंट होके रहेगा। उसके बिना देश नहीं चलेगा, उसके बिना यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी।